शाहपुर थाने की पुलिस ने प्रेमिकाओं को महंगे गिफ्ट देने के लिए दिन में रेकी कर रात में घरों में चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके दो साथी अभी फरार हैं, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गोलू कुमार पुत्र दीपचंद कुमार निवासी सूरजकुंड डोमखाना थाना तिवारीपुर गोरखपुर, दूसरा राजबाल नेगी पुत्र विनोद डोम निवासी ग्राम मधुबन बाजार ननवर चट्टी सीधा गांव थाना मधुबन जनपद मऊ हाल पता जेल बाईपास रोड सरस्वतीपुरम लेन नंबर 2 के सामने थाना शाहपुर गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक सोने की चेन, दो सोने की कान की बाली, एक सेट सोने का झुमका, एक सोने की नथिया, एक सोने का मांग टीका, एक सोने की अंगूठी, दो सेट चांदी का पावजेब, दो सेट चांदी का हाथ पलानी, 20 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5,000 नगद, दो देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके साथियों की भी दीपक डोम निवासी सूरजकुंड व मुकेश बिहारी की पुलिस को तलाश है, जो कि फिलहाल फरार हैं। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त गोलू कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर 1 सितंबर की रात को प्रिंस ट्रेडर्स पादरी बाजार का ताला तोड़कर अंदर घुसकर, 26 सितंबर को रात को आराध्या ट्रेडर्स का ताला तोड़कर अंदर घुसकर, 5 अक्टूबर की रात को वादी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर, 4 सितंबर को रात में वादिनी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी किए थे। अभियुक्त पहले मोटरसाइकिल पैशन प्रो से दिन में रेकी करते थे। जिन घरों में ताला बंद रहता था रात में उस घर में चोरी करते थे। यदि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो चोरी करने के बाद डीवीआर को निकालकर अपने साथ ले जाते थे तथा डोमिनगढ़ नदी में फेंक देते थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, पादरी बाजार चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक राम अनुज सिंह यादव, कांस्टेबल अरविंद सिंह, अजय प्रताप चौधरी, नरेंद्र यादव, अखिलेश यादव, उमा शंकर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, बाकी राजकुमार की फोटो नहीं जाएगी। किसी भी प्रदेश में टीम जाती है सर, रात में 2 बजे वहाँ के यहाँ भी कोई दिक्कत होती तुरंत पूछ लेते हैं, तुरंत क्लियर हो जाता है। अरे हम बाइक पर थे तो बाइक से उतरे हैं, फिर कार पकड़े हैं। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक शानदार सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने शाहपुर क्षेत्र में सितंबर महीने में हुई 3 चोरियां, जिसमें 2 दुकानों में चोरी, 1 घर में चोरी का खुलासा किया है। वही गैंग जो 4 की एक गैंग है, वो थाना गोरखनाथ में भी उन्होंने एक घर में जाके चोरी की। थाना शाहपुर में जो चोरी हुई है उसमें काफ़ी मात्रा में सोने का एवं चांदी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 1 अदद सोने की चेन, 1 सोने की कान की बाली, सोने के सेट का झुमका, नथिया, मांग टीका, अंगूठी, 2 सेट पायजेब चांदी के, चांदी का हाथ पलानी एवं 20 जोड़ी चांदी की बिछिया, ये दीपक कुमार शर्मा जी के घर से ताला तोड़कर चोरी हुई थी, उसका सामान बरामद हुआ है, एवं 2 बाथरूम फिटिंग्स की 2 दुकानें थी उसका भी सामान बरामद किया गया है। थाना गोरखनाथ के अंदर इसी गैंग द्वारा की गई थी चोरी, उसका जो चोरी का सामान बेचा है उससे जो प्राप्त पैसे हैं उन पैसों की भी बरामदगी थाना शाहपुर की टीम द्वारा की गई है। इसके साथ साथ 2 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम गोलू कुमार और राजबाल बेगी है। ये 4 की गैंग थी, 2 अभियुक्त अभी भी वांछित है और 2 गिरफ्तार हैं। इनके ऊपर इनका पहले का भी आपराधिक इतिहास है, जिनके ऊपर लूट, आबकारी, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हैं।
इस टीम द्वारा इस शानदार सफलता के लिए SSP महोदय द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की है। ये लोग एक चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो से रेकी करते थे। दिन में रेकी करने के बाद रात के समय ये सुनसान पड़े घर के या दुकान को टारगेट करते थे, एवं इन लोगों को CCTV का भी खौफ नहीं था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि चोरी करने के बाद जो DVR है उसको डोमिनगढ़ में फेंक देते थे। लेकिन शहर में CCTV का जाल ऐसा है कि आप हो सकता है एक घर का CCTV फेंक सकते हैं, लेकिन उसके बगल के घर में जो CCTV लगा आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसी के माध्यम से CCTV और थाने की सर्विलांस एवं पतारसी सुरागरसी के माध्यम से इन चोरों का पर्दाफाश किया है, और जो टीम जिसने अच्छा गुडवर्क किया है उसको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया। टीम का मास्टरमाइंड गोलू कुमार है जो कि पकड़ा गया है, एवं दो अन्य सदस्य हैं जो कि वांछित हैं, दीपक एवं बिहारी, और उनके पकड़े जाने पर अन्य भी खुलासे किए जाएंगे। कुछ लोग इनमें से अपना जो है सामान बेच के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देते थे, इस तरीके की तमाम आजकल गतिविधियां प्रकाश में आ रही हैं जो कि युवा लोगों को चोरी की तरफ धकेल रही हैं। थैंक यू।